Assalamualaikum guys, myself Amirul Haq and I am Tausif. We are from Luqman Yunani Medical College. We are here to share some information about the Kasarol plant. We are doing this because of to gain information in Yunani medicine. So let us start by Kasarol. First we start from this botanical name because इसका बोर्डनिंग नाम इसलिए यूज़ करेंगे कि हर जगह आयुर्वेदा वाला यूज भी करता है लोग, हम लोग यूनानी वाले हैं तो सेम रहता है बोर्डनिंग. तो बोर्डनिंग नाम क्या है सही से बोलिए? इट्स बोटानिकल नेम इज रॉल्फिया सर्पेंटिना एंड इट इज अ हाइपरटेंसिव मेडिसिन, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता है. तो इसका हम लोग पहले मॉर्फोलॉजी बोलेंगे. थोड़ा बगल में आइए कैमरामैन मुसा भाई, इसको देखिए कि इसमें जो फल देखते हैं इस तरह के दिखेंगे, इसके पत्ते इस तरह देखेंगे आपको, और ये 7 to 8 सेंटीमीटर होते हैं लंबाई इसकी, और भी थोड़े होते हैं इसके, हाँ ग्रीनिश कलर के होते हैं. ये जो आपको फल दिख रहे हैं ना अभी रेड कलर के, और थोड़ा पकने के बाद ब्लैकिश कलर के हो जाएंगे. तो ये इसका मॉर्फोलॉजी हो गया. इसका हम लोग यूज़ क्या करते हैं, फल यूज़ नहीं करते हम, इसका हम लोग रूट यूज़ करते हैं, इसका हम लोग मेनली जड़ यूज़ करते हैं. तो इसका जो फंक्शन है, मेन फंक्शन है, तो हम लोग इसको जो यूज़ करते हैं हाइपरटेंसिव के लिए. ये अधिकतर क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं यूनानी में दाफे नफसुद दम और मुसाकिन भी है. ये जैसे किसी आदमी को नींद नहीं आती है, मालन खुलिया का पेशेंट है, नींद नहीं आती है, उस पेशेंट में भी काम आएगा. और दूसरी बात क्या है इसका, इसका जो है ना हमारे जो बहुत बड़े हकीम क्या अजमल खान, आप सब जानते होंगे उसके नाम से. तो इसमें उसने रिसर्च किए थे, बहुत बड़े रिसर्च किए थे उस टाइम पे. तो उसमें एक केमिकल पाया था, वो सर्पेंटाइन बोलते हैं उस केमिकल को. वो केमिकल आल्सो अभी भी, वो केमिकल जो आप सर्च करो गूगल पे तो मॉडर्न मेडिसिन के तौर पे अभी उसको यूज़ किया जाता है. इसको आप कंपाउंड मेडिसिन की तरफ लो तो हब्बे सुकून आपको मार्केट में मिल जाएगा. उसके बाद और भी सारे मिल जाएंगे. अब उसके इसका जो साइड इफेक्ट क्या है ना, जितने भी हॉट मिजाज के पेशेंट है, जो गर्म मिजाज के पेशेंट है, उसके लिए ये साइड इफेक्ट है. और इसको साइड इफेक्ट को हम लोग दूर कर सकते हैं, हम उसको हनी देख के उसका साइड इफेक्ट को हम लोग दूर कर सकते हैं. तो इसके बारे में इतना ही था. स्टॉप करो बस.